तो पिछले एपिसोड्स में आपने देखा कि हम चले थे अपने घर से और पहुंचे थे भोपाल। अगले दिन अपने एक भोपाली दोस्त से मिलके हम निकल गए थे नागपुर के लिए, लेकिन भोपाल से सिर्फ 130 किलोमीटर चलने के बाद हमारी कार शाहपुरा में खराब हो गई थी। वहां से एक जुगाड़ करके गाड़ी टो कराई और मैं गाड़ी लेके आया बैतूल की महिंद्रा वर्कशॉप में। यहाँ मैंने गाड़ी को डायग्नोस किया और बैटरी चेंज कराई। इसके बाद जब हम चले तो नागपुर से 100 किलोमीटर पहले हाईवे पे गाड़ी फिर ब्रेकडाउन हो गई। 6 घंटे बाद महिंद्रा की रोड साइड असिस्टेंस ने हमें पिक किया और लगभग रात को 11 बजे हम नागपुर पहुंचे। एंड हियर वी आर इन नागपुर। तो रात को हम आ गए थे यहाँ पे, रात को 1 बजे होटल के अंदर। द होटल वॉज बैड, इन्होंने हमको दूसरा रूम दिया था पर उसका एसी काम नहीं कर रहा था, तो वी हैड टू चेंज। और फिर चेंज करने के बाद बाप रे इन्होंने क्या रूम दिया हमको। ये सिंगल पर्सन के हिसाब से बेड है, दो लोगों के हिसाब से बेड नहीं है, ठीक है। एक तो ये प्रॉब्लम है इस रूम में, दूसरा मैं आपको दिखाना नहीं चाह रहा, लेकिन ये देखो वॉशरूम के दीवार के साथ चिपका हुआ, वहाँ बैठेगा कैसे आदमी, और पैर निकालने के लिए भी आगे की जगह नहीं है। ऐसे ही थोड़ा घुमा के लगाना चाहिए था इनको पॉट, और इतना छोटा सा इसका वॉशरूम है, दिस इज सो स्टूपिड। सो वी आर एक्चुअली चेंजिंग द होटल। इसके साथ में ही बिल्कुल बाजू में एक नया होटल खुला है, और उनका ऑनलाइन नहीं दिखा रहा है, बट अब मैं उनसे मिलकर आया हूँ तो कह रहा ऑफलाइन हम बुक कर देंगे आपका। अभी हमारा नया नया होटल है तो हमने अभी ऑनलाइन नहीं करा है। गाड़ी वाले से बात हुई है महिंद्रा वाले से, उसको मैंने बताया कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और दो चार चीज़ें चेक करने के लिए बताई हैं, जो मैंने ऑनलाइन थोड़ी रिसर्च करी थी उसके बाद मुझे लग रहा है कि ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक भाई हैं अपने, एडवोकेट ही हैं दिल्ली के, उनके पास भी टी यू वी है, तो उन्होंने मुझको बताया कि टी यू वी 300 के अंदर बैटरी जो होती है वो आफ्टर 24 मंथ्स और आफ्टर 36 मंथ आपको चेंज करने की चाहिए। और अगर आप उसकी पुरानी बैटरी चलाते रहते हो तो क्या होता है कि वो उसकी स्टार्टिंग मोटर को वीक करती जाती है। देयर इज सम बैलेंस बिटवीन द स्टार्टिंग मोटर एंड द बैटरी करंट, उसका जितना इंटेक होता है, तो अब उसको प्रॉपर जब करंट नहीं मिलता है तो स्टार्टिंग मोटर ओवर द टाइम आप ख़राब होने लग जाती है। तो स्टार्टिंग मोटर को करंट ज़्यादा चाहिए, तो आपने अगर टाइमली बैटरी चेंज करी तो वो मोटर ठीक रहेगी, अदरवाइज मोटर का भी जो है वो डिटीरियोरेट करने लग जाएगी। तो मैंने बैटरी तो चेंज करा दी, बट ही सेइंग कि अब आपको शायद स्टार्टिंग मोटर भी चेंज करानी पड़ेगी क्योंकि वो ख़राब हो जाती है। अब पता नहीं क्या होगा, अब मैंने उसको फ्यूल पंप के लिए भी बोला है और उसका डीजल टैंक भी चेक करने के लिए बोला कि हो सकता है उसमें गंदगी हो। और फ्यूल पापा ने मुझे बताया है कि जो फ्यूल इंजेक्टर्स के अंदर जो मैकेनिज्म फ्यूल पहुंचा रहा है उसको भी एक बार चेक करवाए, हो सकता है कि उसमें भी कोई ब्लॉकेज हो, उस पाइप के अंदर कोई ब्लॉकेज हो, गंदगी आ गई हो। तो लेट्स सी क्या होता है। और अब हम यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं इस रूम से, ओयो का टाउन हाउस होटल सकते हैं। और अब मैं आपको एक न्यूक्लियर प्लांट का चैम्बर दिखाता हूँ, बहुत ही अमेजिंग है। क्या मम्मी, मम्मी नीड्स हेल्प। अभी आ गया है न्यूक्लियर प्लांट का चैम्बर, अभी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ न्यूक्लियर प्लांट का चैम्बर। इट इज क्रेजी। और इसके बाद ये ऐसे खुलता है, एंशिएंट है मम्मी। तो वी आर मूविंग आउट, और जो हमारा दूसरा होटल है वो बाजू में ही है, मैंने वहाँ पे पेमेंट वगैरह पहले कर दी, चेक इन कर लिया है, सो दैट मम्मी को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़े। तो वो टाउन हाउस जो कि बहुत ही घटिया टाउन हाउस था, ये बाहर का एरिया है, रात को तो देख ही नहीं रहा था। अब ये जो होटल है ये नया होटल बन रहा है, इसमें हम जा रहे हैं।
जा रहे हैं दीक्षा भूमि। थे यहाँ पे दीक्षा भूमि आए थे, यहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर ने यहाँ पे कन्वर्ट करा था बुद्धिज्म के अंदर। बट मुझे आइड लग तो रहा था कि ये बंद होगा क्योंकि रिलीजियस और इस टाइप की प्लेसेस गवर्नमेंट ने बंद कर रखी है, बट आई वांटेड टू सी हाउ इट रेनोवेशन इज गोइंग ऑन। अगली बार जब थिंग्स नॉर्मलाइज होंगी तब यहाँ आएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू उत्तर दक्षिण, भैया ने सजेस्ट करी एक जगह खाने पीने के लिए, इट इज़ बाय नवेदियम। लेट्स सी हाउ इट इज़। खाना वाना टेस्ट करते हैं यहाँ का, और टाइम हो रहे हैं 2:15, तो 2:15 बजे 4 बजे यहाँ पे सब बंद हो जाता है। थोड़ा टाइम ऐसा है, हम ज़रा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, बट डेफिनेटली आई विल बी कमिंग अगेन। अच्छा, खाने का माल ख़त्म है तो इनके पास के खाने का मटेरियल जो है ख़त्म हो गया है, तो ये लोग कह रहे हैं कि बाद में आना थोड़ी देर वेट करके। तो अपन लोग तो इतना वेट नहीं करने वाले हैं। तो अब अपन लोग जो है यहाँ पे पास में हल्दीराम में वहाँ पे जा रहे हैं। भैया ने बोला है कि पास में ये 2-3 किलोमीटर में, मैंने भी शायद देखा था रस्ते में, यहाँ पे ये है कि सब बंद है 4 बजे के बाद सब बंद है, इसलिए वहाँ पे भी खाना खत्म होने को आ गए, लिमिटेड रखते होंगे स्टॉक। नागपुर अंदर से देखने में काफ़ी रेल है, काफ़ी ऐसे हरी 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 भरी खाली खाली सड़कें हैं, कोई ट्रैफिक जाम टाइप मुझे कहीं पे मिला नहीं। भैया कि यहाँ पे वो बंदा है मटके पे वो बनाते हैं पराठा, रोटियाँ रोटियाँ ना, हाँ रोटियाँ पतला था वो बने रामेश्वरी में। यहाँ से कितनी दूर है रामेश्वरी? यहाँ से आए 5-6 किलोमीटर तो आपको वहाँ मिल जाएंगे रोटी तैयार तुरंत। हाँ लेकिन वो क्या है, वो मम्मी को शायद पसंद नहीं आया ना। हाँ मेरी मदर को शायद पसंद नहीं आया, तो इसलिए वो ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं क्या? नहीं ऑनलाइन का नहीं मालूम, लेकिन वो तुरंत हाथों हाथ देते हैं। उसका नाम क्या है, कुछ आइडिया? नाम वगैरह नहीं है उनका। अच्छा, घर के ऊपर मटके डालती करती है लेडीज लोग। अच्छा हाँ, मस्त रोटी बनाती है, मस्त बहुत लोग आते, अच्छे अच्छे कार में करते, रोटियाँ लेते और चले जाते। अच्छा डॉक्टर वाली हो? हाँ देख लेंगे। कितनी रोटी होती है? आटे की होती है, वहाँ पे उसको ना गूंद गूंद के से मोटा कर देते, फुला देते हैं और फिर उसको ना मटके में बनाते हैं। अच्छा तो वो काफ़ी मतलब फेमस है, मैंने YouTube पे देखा था तो मेरे को पता है बहुत फेमस है वो, है ना? खा रहे मुझे तो अभी तक के नहीं खाया है। अच्छा। लेकिन बता रहा हूँ बहुत सारे लोग खा रहे हैं मेरे घर के लोगों को भी मालूम है। अच्छा लेकिन मैं कभी लेके नहीं गया। अरे वाह। मैं क्या खाने वाला हूँ, इसमें है दाल, ये रायता, ये शायद मशरूम मटर है, ये पनीर है, ये सलाद और स्पंज रसगुल्ला, चावल मिले, अभी मिलेंगे जलजीरा और उसके साथ में मम्मी के आ रहे हैं छोले भटूरे।
हमने खाना वाना खा लिया है। मैंने ये बिरयानी मंगाई थी YouTube पे, थोड़ी रिसर्च करी थी तो बब्बूज की बिरयानी थोड़ी फेमस थी तो मैंने बब्बू से ऑर्डर करी तो काफ़ी थी। इसकी दाल इतनी मेरे को खास बढ़िया नहीं लगी बट इट वॉज गुड। दोपहर में हमने हल्दीराम का टेस्ट कर ही लिया था तो अच्छा था खाना। और इसके अलावा हमारा अब ये प्लान है कि हम सुबह यहाँ से एक कैब पकड़ के जा रहे हैं क्योंकि हमें तेलंगाना जाना है, मम्मी को पापा से मिलाना है। तो सीन ये है कि सुबह 10 बजे कैब वाला आ जाएगा, मेरी गाड़ी यहीं रहेगी क्योंकि कल यहाँ पे फ्राइडे को वैक्सीनेशन कैंप्स है तो लोगों को उसमें ही इन्वॉल्व होना है। तो महिंद्रा वाले वो तो कह रहे कि हम नहीं आएंगे कल काम पे और सैटरडे संडे यहाँ पे, इसलिए छुट्टी भी दे रखी है। और तो फिर जो गाड़ी है वो मंडे को मिलेगी और मंडे तक हम यहाँ रुकेंगे तो मतलब लगा लो कि 3 दिन का भाड़ा और कुछ करने के लिए नहीं है। यहाँ पे सब बंद पड़ा हुआ है, बाहर जाते हैं तो सिर्फ खाने के लिए रेस्टोरेंट है, उसमें वेटिंग होती है आपको पहले कुछ पता नहीं है यहाँ का, थोड़ा ऐसे ही सीन है। कुछ खुला नहीं है, पब्लिक गैदरिंग्स तो है नहीं, कुछ एक्सप्लोर भी नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ होटल में पड़े पड़े क्या ही करेंगे। हम चले जाते हैं यहाँ से गाड़ी में आ करके। जब मैं वापस जा रहा हूँ तो मैंने ये सोचा है कि मैं वापसी में जाता हुआ यहाँ से वहाँ से ड्राइवर ले आऊँगा या यहाँ से मैं ट्रांसपोर्ट करा दूँगा रिटर्न में। अभी तो अपना बस फटाफट से कर निकलेंगे और रोड ट्रिप भी पूरी करनी है क्योंकि एज प्रॉमिस्ड कि भाई है ना मम्मी, रोड ट्रिप तो पूरी करनी ही है, सड़क से ही जाना है, हमारा ट्रेन से जाने का सीन नहीं है। और हम भी अब सोने लगे हैं क्योंकि सुबह निकलना है अपने को तेलंगाना फाइनली। आई होप कि अब कोई और पंगे ना हो क्योंकि बहुत ही फ्लॉप सीन हो रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं वो चीज़ें गर्दम हो रही हैं। इलेक्ट्रिक केटल के अंदर जो है दूध ले थे, हमको लग रहा था खाने को कुछ मिलेगा नहीं तो मैं दूध ले आया था और इलेक्ट्रिक केटल के अंदर हम पका रहे थे दूध और दूध निकल गया, ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा एक चीज़ और, हमने RT-PCR का टेस्ट भी कराया है। तो चलो फिर मिलते हैं कल अपनी रोड ट्रिप कंप्लीट करेंगे। ओके गुड नाइट। 1400 किलोमीटर की रोड ट्रिप कंप्लीट करके दिखाएंगे क्योंकि हमको तेलंगाना जाना है और मम्मी को पापा से मिलाना है।